उस दिन बात क्योंकि एक माँ से उसका बच्चा छीन, अपने पैसे से तुम कितने लोग को भी खरीद लो, कितने लोग को खरीद लो, मेरे बच्चे नहीं छीन सकते। तुमने सबके सामने अपना ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी अपनी चुप्पी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिए अपनी वाइफ आलिया के आरोपों के जवाब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया वाइफ आलिया पर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आलिया की तरफ से कई सीरियस एलिगेशंस भी लगाए गए, लेकिन अब हर आरोप पर चुप रहने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की चुप्पी टूट चुकी है और उन्होंने आलिया के आरोपों का जवाब देते हुए अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। आपको बता दें कि आलिया ने कुछ समय पहले अपना एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर से उन्हें और उनके बच्चों को बाहर निकाल देने का आरोप लगाया था। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी बताया कि वो और आलिया पिछले कई सालों से साथ नहीं रहते हैं। He said, "There are few points I would like to express. First of all, me and Alia do not stay together since several years. We are already divorced, but we definitely had an understanding only for our kids. Does anyone know why my kids are in India and not attending school for 45 days, wherein the school is sending me letters every day that it's been too long and absent? My kids have been made hostage for past 45 days and are missing their schooling in Dubai." Yahi nahi, Nawazuddin Siddiqui ne yahan Alia ko diye jane wale lakhon rupayon ka bhi zikr kiya. साथ ही उन्होंने आलिया पर उन्हें ब्लैकमेल करने और दुबई में अपने बच्चों को 4 महीने तक अबैंडन करने का आरोप भी लगाया। He said she had abandoned the kids in Dubai for last 4 months before calling them here on pretext of demanding money. On an average, she is being paid approximately 10 lakhs per month for the past 2 years and 5 to 7 lakhs per month before moving to Dubai with my children, excluding the school fees, medical, travel and other leisure activities. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये भी बताया कि वो अपनी वाइफ की 3 फिल्म्स को फाइनेंस भी कर रहे हैं। He said, "I have also financed her 3 films, costing me crores of rupees, just to help her set up her income stream, since she's a mother of my kids. She was given luxurious cars for my kids, but she sold them and spent the money on herself. I have also bought a lavish sea-facing apartment in Warsaw, Mumbai, for my children." Well, अब देखना ये होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इन आरोपों का आलिया क्या जवाब देती हैं। जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, जिस उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हो गए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से दिखाना चाहते कि वो बहुत अच्छा बाप है। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.